इसको खा के भी कुछ नहीं होगा। माइक माइक अबे माइक भी तो उनके पास माइक दो। ये हमारे पूरे जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये है जो इस बेड पे मालिक साहब, ये इस पे लग नहीं सकता क्योंकि हत्या की अहमियत उतनी नहीं है जितनी। हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं मस्त हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आप पहले तो मौसम देखिए, आज भी मौसम बिल्कुल बेगाना सा हो रखा है। तो इस कारणवश हम क्या करते हैं, जो कि हम लकड़ी जलाते हैं, मतलब चूल्हा जगाते हैं, तो उसके लिए हम लकड़ी बाहर रखी थी वो तो आज अंदर रखेंगे ताकि लकड़ियाँ गीली ना हो पूरी बरसात के लिए। क्या कहते हैं, लकड़ियाँ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहें। तो पहले लकड़ियाँ साड़ते हैं, फिर उसके बाद अभी मैं जाऊँगा, उसके बाद रिखनी खाल, जो कि हमारा एक बैट था क्रिकेट बैट, तो उसका हत्ता टूट गया है, तो उसे बनवाने जाएंगे रिखनी खाल में और उस बैट का हत्ता भी लगवाएंगे। तो आपको ले चलेंगे थोड़ी देर में रिखनी खाल भी, पहले ज़रा हम लकड़ी साड़ लें। तो लकड़ियाँ साड़ती हुई मेरी बहन, बाकी वहाँ पर दादी लकड़ियाँ बांध रही हो, देखो तो उसे ले जाना है। अरे हमारे भाई साहब जिक्कू भाई साहब देखो। बाकी चलते हैं यार। घंटों से तो मैं आपके साथ तत्पर बना हूँ, अगर कुछ भी यहाँ पे कुछ भी घटना होती है तो मैं आपको सचेत कर दूंगा, आपको बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बाकी आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा फोन भी भीग चुका है, इसके साथ हमारी बकरियां भी भीग चुकी है बारिश में, जो कि चरने आई थी और वो भी बारिश का शिकार, जैसे कि भीग चुके हैं बहुत ही भयंकर तरीके से और कोहरे की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ थोड़ा अगल बगल में दिख रहा है, बाकी दूर दराज में कुछ नहीं दिख पा रहा कोहरे की वजह से। तो अभी बारिश थम चुकी है और लगभग 4:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ रिखनी खाल, क्या कहते हैं, पहले जो मैं गेहूँ लाया था परसों वो पिसवाने भी ले जाने और साथ में बैट भी बनवाने ले जाना है। तो ये बैट रहा और ये रह गेहूँ। अरे माता जी हमारी, माता जी भाई साहब कब से लग रखी, पहले से ले जा ले जा ले जा। तो मैंने कहा अभी चलते हैं, बैट को भी ले जाना है, तो अकेले चल रहा हूँ। बाकी अभी बारिश अब जाके थमी लगातार, मतलब कल रात से चल रही है तो लगातार 12 या 14 घंटे लगातार बारिश पड़ी यहाँ। बाकी सारा गीला हो चुका है और मौसम एकदम सुहाना हो चुका है और खेती भी एकदम मस्त होगी अब। तो बाकी
अभी ज्यादा बकैती ना करते हुए सामान को ले जाते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं क्या कहते हैं डिपो में, और यहां पास में ही बस 100 मीटर और की दूरी है, और थक लग गई भाई साहब पैदल पैदल इसे लाते हुए। लगभग मतलब ये 22-25 किलो तक तो होगा लगभग, इतना होगा। और बैट भी लाया साथ में, भारी हो गया। बाकी हरियाली दिखी भाई साहब, बरसात का मौसम आ गया और हरियाली तो मस्त लग रही भाई साहब, ये देखो। और बाकी ये रखने का देखो मार्ग कितना ही ऊपर दिख रहा है यहाँ से। A few moments later, आ चुके हम कारपेंटर की दुकान में बेड बनवाने। और ये हमारे भाई साहब, कैसे हो? सभी बता दीजिए कैसे हैं? मौसम ठंडा हो रखा है बस। और यहाँ पे रेडियो, ये देखो रेडियो चालू है यहाँ। देखिए भाजी, ये है जो इस बेड पे मालिक साहब, ये इस पे लग नहीं सकता क्योंकि हत्या की अहमियत उतनी नहीं है जितनी बेड की कीमत है। तो मतलब हत्या रिजेक्ट, हत्या ये किसी काम का नहीं है। दूसरा अच्छा सा 5 दिन लकड़ी वाला, तो दूसरा लाना पड़ेगा गाइस हमें। हत्या अंकल जी ने ये रिजेक्ट कर दिया है, तभी दूसरा लेंगे। या अंकल जी आप ही ले आना दूसरा हत्या, लगवा देना और तब हम आपसे कल या परसों ले जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है अंकल जी, ठीक है। तो ये हत्या तो हो चुका है रिजेक्ट, तो पोखरियाल भाई से वापस कीजिए और चलते हैं। मैं आपके साथ साथ चलता हूँ मार्केट की तरफ, चलते हैं। बाकी चलते हैं मार्केट की ओर। जो है ये कुछ कहना चाहते हो? तुम कुछ कहना चाहते हो? माइक देखो कदा बोर्ड माइक च, इसको खा के भी कुछ नहीं होगा। मार्केट में आज सन्नाटा, देखते हैं नीरज भाई, देखिए पूरे मार्केट में सन्नाटा है क्योंकि सबकी सब दुकानें बंद है। आज दुकानें बंद है क्योंकि आज बारिश का प्रवाह है आज। और देखो वहाँ पे देखो सूरज वो बादलों के पीछे, और यहाँ पे हमारे दीपक इंडिया, और केले वहाँ पे केले खा रहे हैं, केले चबका रहे हैं, केले चबका रहे हैं। और देखो हमारे राजू मामा जी जिनकी सब्जी की दुकान है, फल की दुकान है, और अच्छे भाव में आइए और जो आइए और ले जाइए, आइए और ले जाइए ताजा ताजा सब्जी, ताजा सब्जी ताजा वाली। देखिए आम, सेब, शिमला शिमला, माइक माइक, अबे माइक भी तो उनके पास, माइक दो। ये हमारे पोखरियाल जी जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो गाइस ये रही चक्की, तो यहाँ पे पिस रहा था हमारा गेहूँ। और बाकी रिहनी खाल का मार्केट देखिए आप, बहुत ही सेट लग रहा है, और ये बहुत ही कम बचे थे, उसके बाद हो ही गया था बस क्लियर। उसके बाद हम चले एक गाड़ी में, तो फाइनली अब आटा पिसवा के भी आ चुके हम, और अब हम जा रहे हैं रिहनी खाल से क्रिकेट खेलने के लिए। तो उसके बाद रिहनी खाल से हम यहाँ आए, तो मस्त क्रिकेट मैच खेल रहे थे हम, मस्त गांव वाले ही, तो मज़ा आ गया। इधर साइड में तो पानी भर रखा था, तो अब इधर वाली साइड खेल रहे थे, तो इधर वाली साइड भी मस्त मज़े आ रहे थे। और बाकी अब देखिए क्रिकेट के क्या मज़े ले रहे थे हम भाई साहब, गजब ही। और ये ऋषभ ने एक दंडनाथ ओवर छक्का मारा, फिर उसके बाद गेम हो गया था एंड, हम हार चुके थे आज। आज हम हार गए गलती से, तो ये गेम जीते आज अंकुर भाई। और बाकी नहीं 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 तो अभी तो आ चुके हम थक थक के भाई साहब, खेल खाल के एकदम थके हुए हो रखे हैं। और बाकी आज तो हम हार चुके हैं, फिर उसके बाद कल देखेंगे, कल जीतना पड़ेगा हमें भाई साहब, आज हार गए यार। बाकी बैट बनवाने दे दिया आज मैंने, बैट बन जाएगा हमारा कल परसों तक, अब उससे खेलेंगे भाई, उससे आएंगे मजे, क्योंकि ये बैट सब टूट रखे हैं, इसी से मज़ा नहीं आ रहा खेलने में, इसलिए हमने बैट दे रखा बनवाने के लिए। तो बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको ये बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगैर जाना ही मत गाइस, जाना ही मत बिल्कुल। सब्सक्राइब में अगर तुम कुछ भी चीज़ फेंक के मार दो बैंक करके, बस वो लाल वाला ना हो जाना चाहिए बस सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय माता।